हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजनी और आज मैं आप लोगों के साथ सेवई के खीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। लेकिन इस खीर को मैंने बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बनाया है। जिस तरीके से हम लोग सेवई की खीर बनाते हैं उस तरीके से मैंने इसे बिल्कुल नहीं बनाया है। ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेवई की खीर, वो भी बिल्कुल अलग अंदाज में। सेवई की खीर बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हम डाल रहे हैं शुद्ध देसी घी। तो यहाँ पर लगभग एक चम्मच हम घी डालेंगे। अब हम कटी हुई मूंगफली डालेंगे। तो मूंगफली को यहाँ पर मैंने भिगो करके ये देखिए कट कर लिया है, तो इसे हम इसमें डालेंगे और इसे हल्का सा सौते करेंगे। मूंगफली यहाँ पर आपको फुला करके तब डालना है, बिना फुलाए मूंगफली आपको इसमें नहीं डालना है। अब इसे हम हल्का सा भून लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी जो मूंगफली है वो अब हल्की सी फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं सेवैया। सेवैया को यहाँ पर मैंने तोड़ लिया है, ये महीन वाली सेवैया हैं, तो इसे तोड़ करके डालना पड़ता है। अब इसे भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे, गोल्डन होने पर तक इसे चलाते रहेंगे लगातार, नहीं तो फिर ये एक साइड से जल जाएगी। तो इसी तरीके से पीनट यानी मूंगफली के साथ आपको यहाँ पे सेवैयों को फ्राई करना है। बिल्कुल अलग तरीके से यहाँ पर मैं आज सेवई की खीर बता रही हूँ। सेवई की खीर तो सभी को आती है, लेकिन यहाँ पर थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में आज मैं बता रही हूँ। तो इसे हम अच्छे से गोल्डन होने तक पहले भून लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी जो सेवैया है वो कितनी अच्छी से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमारा जो पीनट है उसका भी कलर बहुत ही बढ़िया सा हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने पीनट ऐड किया। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसको डालने से सेवई में। अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है सो मैं आपको बताती हूँ। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आज हम बनाए रहे हैं सेवैया, तो एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए। तो सेवैयों में क्या होता है कि इसके बाद नॉर्मली हम क्या डालते हैं, दूध। लेकिन यहाँ पर हम दूध नहीं ऐड करेंगे, यहाँ पर हम डाल रहे हैं चाशनी। जी हाँ, आपको यहाँ पर चाशनी का इस्तेमाल करना है, तो चाशनी हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं। अब आपको चाशनी कैसे बनानी है सो मैं बता देती हूँ। तो चाशनी बनाने के लिए आपको जितनी चीनी का इस्तेमाल सेवई में करना है उतनी चीनी आप लीजिए, और आधे कटोरी से थोड़ा सा पानी लीजिए और चीनी को मेल्ट होने दीजिए। उसके बाद जब आप देखिएगा 5 से 7 मिनट बाद, तो आपकी जो चाशनी है हल्की सी चिपचिपी हो जाएगी। तो उसी प्रोसेस पे आपको यहाँ पर कर देना है गैस को ऑफ। उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर नहीं चाशनी को बनाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है चीनी को आपको यहाँ पर, और उस चाशनी को आपको यहाँ पर खीर में ऐड करना है। जी हाँ, अब इस चाशनी के साथ हम पका लेंगे सेवैयों को लगभग 1 मिनट। जब ये सॉफ्ट हो जाएगी फिर हम इसमें ऐड करेंगे दूध। सो फ्रेंड्स, 1 मिनट हो चुके हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने यहाँ पे सेवैयों को पकाया है। और 1 मिनट के बाद ये देखिए हमारी जो सेवैया हैं वो अब हो चुकी है सॉफ्ट, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो गैस के फ्लेम को अब हम हाई कर देंगे और धीरे धीरे हम इसमें दूध ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। महीन वाली जो सेवैयाँ हैं वो जल्दी कुक हो जाती है, तो यहाँ पे आपको इस महीन वाली सेवैयों को पकाना है 3 से 4 मिनट। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे इसे कुक नहीं करना है। गैस के फ्लेम को बिल्कुल हाई रखिए और इसको आप पका लीजिए। पहले हम इसमें डाल देंगे कोकोनट। यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश वाला कोकोनट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है इसमें। आप अगर ड्राई फ्रूट्स नहीं भी डालते हैं तो कोकोनट और पीनट दो चीज़ें होती है बहुत ही ज़्यादा इजीली तरीके से सबके घर में अवेलेबल आती है हमेशा। अगर आपके पास काजू और किशमिश नहीं है तो कोकोनट डालिए, पीनट डालिए, बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। इसी तरीके से चाशनी बना करके डालिए, आपको इतनी बढ़िया ये सेवैया लगेगी खाने में कि आप तो चावल की खीर बिल्कुल भी भूल जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है, इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो होता है बहुत ही बढ़िया होता है। तो अब इसे हम पकने देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए अब जो हमारी सेवई की खीर है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है देखने में। तो हम इसी समय गैस को ऑफ करेंगे, क्योंकि जब धीरे धीरे ये ठंडी होगी तो फिर और गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए हमें इसे और ज़्यादा नहीं पकाना है।
तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो फ्रेंड्स, टेक केयर एंड गुड बाय। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ।